आप सब लोगों को मेरा रेफरेंशियल नॉलेज चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के ऑयल किस प्रकार चेंज किया जाता है। दोस्तों, किसी भी कंप्रेसर के अंदर ऑयल चेंज करने का दो तरीका है। पहला तरीका है वो कंप्रेसर को पूरे वैक्यूम करके उसके अंदर ऑयल चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा कंप्रेसर को चालू करके उसके अंदर ऑयल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग कंप्रेसर चालू करके ऑयल को चार्ज करेंगे तो कभी कभी कंप्रेसर जाम होने का भी संभावना होता है। इसलिए मैं हमेशा कंप्रेसर को वैक्यूम करके ही कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करता है। दोस्तों, नॉर्मली कंप्रेसर के अंदर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई कस्टमर इवेपोरेटर कॉइल को डैमेज करने की वजह से इवेपोरेटर कॉइल के अंदर से पानी कंप्रेसर के अंदर जा सकता है। अगर इस प्रकार कंप्रेसर के अंदर ऑयल जाता है तो वो ऑयल को पूरा चेंज करना है। तो ऑयल को किस प्रकार चेंज किया जाता है तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करने से पहले उसके अंदर से पुराना ऑयल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन को ओपन करना चाहिए। उसके बाद कंप्रेसर के अंदर से पुराना ऑयल को एक बोतल के अंदर निकाल सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली कंप्रेसर के ऑयल को कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कंप्रेसर के अंदर पानी वगैरह जाता है तभी ऑयल चेंज करना पड़ता है। कंप्रेसर के अंदर से पूरा ऑयल निकालने के बाद कंप्रेसर को ब्रेसिंग टॉर्च से अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्रेसर के अंदर पानी के बूंदे रहा तो इस प्रकार गर्म करने से वो पूरी तरह से सूख जाता है। अच्छी तरह से अब गर्म कर लिया है। अभी कंप्रेसर के सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को सील करना है। और डिस्चार्ज लाइन को सील करने के बाद चार्जिंग लाइन में एक गेज लगाना है। उसके बाद कंप्रेसर को एक वैक्यूम पंप के ज़रिए पूरे वैक्यूम करना चाहिए। दोस्तों, कंप्रेसर को वैक्यूम एक 10 मिनट तक कर लेना चाहिए। कंप्रेसर को मैंने 10 मिनट तक वैक्यूम कर लिया है। अभी कंप्रेसर पूरी तरह से वैक्यूम हुआ है, गेज में भी पूरा वैक्यूम दिखा रहा है। अभी वाल्व को पूरा बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद कंप्रेसर के अंदर नया ऑयल चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर 250 ml एस्ड्रोल कंपनी का ऑयल डालने वाला हूँ। अभी ऑयल किस प्रकार चार्ज करते हैं हम लोग देख लेंगे। तो ऑयल को चार्ज करने के लिए एक प्लास्टिक का पाइप लेना है हम लोगों को, और पाइप के एक बाजू में एक फ्लेयर नट जोड़ना है, और ये फ्लेयर नट को गेज के साथ जोड़ना है, और पाइप के दूसरे बाजू ऑयल के बोतल के अंदर डाल के रखना है, और गेज को धीरे खोलना है, और धीरे धीरे कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज हो जाएगा। चलो दोस्तों, आपको पता चला रहेगा कंप्रेसर के अंदर ऑयल किस प्रकार चेंज किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई एक नया वीडियो के साथ। तब तक अलविदा।